चाय देखिए, बहुएं उठ गई और सास अभी सो रही है, अब हम चाय देके उठाएंगे इनको। तो एक अभी हम लोग बारात नहीं हो रही है, जब आएगी तो हम लोग डिनर करके निकलेंगे क्योंकि ठंड। तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस राम राम जय माता दी एंड सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से और मेरी चैनल की तरफ से। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा ब्लॉग मेरे ब्लॉग में मिस लतिका। सो अभी सुबह हो गई है और आज भी धुंध पड़ी हुई है, देख सकते हो। ए डीडी दी नहीं हुई तुम्हें, डीडी दाड़ी दी नहीं हुई थी, चूर मारने होने हो। सो अभी हम लोग उठे यस्ट और चाय का टाइम हो गया, आप देख सकते हो चाय हमारी बन रही है। नहा के अभी हम लोग जाएंगे पूजा में। एक्चुअली कल क्या हुआ, कल हम थोड़ा लेट हो गए जैसे मैंने आप सबको बताया था, तो मैं चाय पी के नहीं गई थी, तो वहाँ जाके हम लोगों ने चाय भी काफ़ी अच्छी थी, बट फिर भी वो मज़ा नहीं आया। मतलब ज़्यादा चाय पीने का मुझे मज़ा वो छोटे से कप में देते थे तो मुझे मज़ा नहीं आया इतना। मतलब गाइस देखिए बहुएं उठ गई और सास अभी सो रही है, अब हम चाय दे के उठाएंगे इनको। तो मम्मी जी पहले मम्मा चाय पीती हैं फिर उठती हैं, ऐसे इनको नींद नहीं खुलती है। मम्मा मम्मा चाय भी उठो, मम्मा उठो 8 बजे, 8 बजे माँ कभी 9 बजे उठना जाए। मम्मा जी उठो चाह पियो, ओ पियो तो जाओ दूध दही पाई लेना बेच दे, गंगा जाले बकरा पाई लो बोतल तो ये कोई। अच्छा तो चाह भी नहीं, बाद उठना दो है। तो गाइस 8:30 बज गए हैं, मम्मा आज मम्मा का मन नहीं उठने का, वो नहीं उठेंगे आज। तो मम्मा 9:30 के करीब ही उठती है, तो चाय माँ चाह पियो यार मैं उतरक सब। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सरस्वती पूजा के लिए अभी, तो ऊपर से बहुत अच्छी बौछार पड़ रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आज पूरा अपना जुगाड़ कर लिया। कल मैं स्वेटर डाल के गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगी थी, इसलिए आज मैं थोड़ी ज़्यादा मोटी जैकेट डाल के जा रही हूँ। तो गाइस पूजा आज की भी हमारी हो गई है, अभी पूजा करके हम लोग घर जा रहे हैं और ठंड ने इतना ठंड ने मेरी हालत करके रखी, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कल भी बहुत ठंड थी। कल तो चलो धुंध पड़ी हुई थी, आज ऊपर से ऐसी बारिश हो रही होती है ना वैसे हो रही थी, हम कंबल लेके गए थे पूरा पूरा भी ऐसे गीला सा हो गया था, ऐसे बारिश के साथ होता है ना वैसा। पूजा हमारी हो गई है, बहुत मज़ा आता है, शांति मिलती है पूजा में बैठ के, और भैया बहुत टाइम लगाते हैं, बाई गॉड इसकी प्रॉब्लम। हमने सोचा सब जल्दी हो जाएगा बट आज भी इतना ही टाइम लगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से करवाते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है। सो गाइस ठीक है आज से आज के लिए इतना ही, आज सैटरडे है हमारा फास्ट भी है। गाइस तो हमने हम घर से मतलब पूजा से जस्ट वापस पहुंचे थे, और हमारी प्रिय माता श्री ने आलू वगैरह बॉयल करके उनको शिल्के जो है क्या खाए। तो गाइस अभी मैं बना, जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मा ने हमारे आते तक आलू वगैरह छील लिए थे बॉयल करके, उसके बाद देखते हैं बाहर बनाने मम्मा और भाभी जी चपाती। तो अभी हम लोग ये सुंदर से आलू बना के खाएंगे, घर में खाएंगे टिक्कियां। तो गाइस तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो गाइस तेल गर्म है, अब मैं इसमें डालूंगी टिक्कियां और आलू मेरे बन गए हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी हम लोग इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा आमचूर आलू में, क्योंकि अनी जी को आलू में आमचूर बहुत पसंद है, तो मैं वो डालूंगी ताकि वो थोड़ा टेस्टी बन जाए। वैसे वो आलू उनको इनसे पसंद नहीं है, बट खट्टा डाल के उन्हें बहुत पसंद है। तो अभी मैं इसमें डालूंगी टिक्की, तो अभी मैं इसमें डालूंगी टिक्की। तो गाइस अनी का टिफिन हो गया है पैक, इसमें मैंने डाल दिया आलू और साथ में टिक्की। गाइस अब मेरी बारी है खाने की, आग जल रही है, धुंध पड़ी हुई है, बड़ा मजा आ रहा है बाहर बैठ के। हे गाइस वेलकम बैक। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सप्ताह सोने के लिए, क्योंकि कल मैं नहीं गई थी तो आज मुझे जाना है, क्योंकि भैया ने बोला कि जो लोग पूजा में बैठते हैं उनको सप्ताह जो है वो जरूर सुनना चाहिए, और हमारी बागी भाभी पीछे भागती हुई टॉप मास्टर। तो अभी हम लोग इसको निकले हैं घर से, यहाँ मिली हमें चाय पीने के लिए, अभी हम तो हमें मिली चाय पीने के लिए हम लोग चाय।
मैं थोड़ी मिली इसको और भी सोचा ज्यादा ही, मैंने बोला बस बस बस, जब मैंने देखा कुछ था ही नहीं, मैंने बोला और पाओ। इधर पीछे पापी का ग्लास देखो कितना बड़ा, आनंद ले रहे हैं लोग। मैं रोटी अच्छा भैया, रोटी की इनको बहुत टेंशन है, क्योंकि इनको कब की खुशबू आ रही है खाने की, और इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। और गाइस मेरी मूछें निकल आई हैं, मेरी मूछें निकल आई हैं। हम लोग आ गए हैं, जैसे आप लोगों ने कहा था कि आपने अगर कलश रखा हुआ है तो आपको कथा में भी जाना चाहिए, तो वैसे आज मैं कथा में गई थी, वो तो कल आपको पता है मैं ठंडी थोड़ी ज्यादा लग गई थी, इसलिए वैसे बहुत अच्छी कथा रही आज हमारी कथा सुनी। बट यार गाइस खाना खाना मुझे आज भी नसीब नहीं हो, वो क्या हो गया कि आज मेरा फास्ट था, बट मुझे हलवा लाना भी याद नहीं रहा, वो मम्मा मेरे लिए लेके आई, थैंक यू भाभी 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 सॉरी भाभी मेरे लिए हलवा लेके आई, थैंक यू सो मच भाभी जी। और गाइस गाइस बाकी जो भी है तो छोड़ो उसको, और एक बात और है कि हम लोग आज जाएंगे, भाभी कहाँ जाना हमें आज, भाभी आज हमें कहाँ जाना है रात को, बारात में। तो हम जाएंगे रात को बारात में टोपी डाल के। मम्मा मम्मा आपके पास है कोई टोपी? तो टोपी भाभी ने नहीं ली, जब सत्संग जाती तो ये वाली डाली थी, जब गर्मी होती तो सब बड़ी पुरानी विंक वाली डाली होती, तो मेरे और मम्मा के पास टोपी नहीं है गाइज। अगर आपके पास किसी के पास बजट हो तो हम लोगों को टोपियां लेके दे दो, तो टोपी दान कर देना प्लीज, क्योंकि भाभी के पास इतनी अच्छी न्यू वाली टोपी है हमारे पास नहीं है, तो ये ऐसे टोपी नहीं डालते हैं कि ठंड है, ये धूप में भी डालते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने नहीं ली है इसलिए। तो गाइज बाकी प्रसाद आप लोग भी चख लो, और आज हमने जाना है बारात में, तो आप मतलब काफी दिनों के बाद, मेरी डाइटिंग के बाद ना, काफी दिनों के बाद आज मुझे किसी की मतलब कोई डिनर मिला है खाने के लिए, मतलब एंजॉय करने के लिए, तो आज सबसे पहले खानी टिकियां, उसके बाद तो अगर ये सारी आइटम नहीं हुई तो अगर, और गाइस ये देखिए, सो गाइस ये देखिए आप देख सकते हो, हम वहां पे गए थे और नीरज भैया की शादी के हमें 5 डब्बे आए हैं, और ये पांचों हमारे नहीं है, ये एक ही हमारा है, बाकी सीमा दीदी का है, पूजा दीदी का है, बाकी दो पता नहीं किसके हैं। तो गाइस बाकी हम लोग जाएंगे शादी में, ये वाली शादी में, उसके बाद हम लोग इंजॉय करेंगे नीरज भैया की शादी, और नीरज भैया की शादी के बाद हम लोग इंजॉय करेंगे मिक्की का बर्थडे, मिक्की के बर्थडे के बाद हम लोग, सो गाइस सेकंड को अनी का बर्थडे है, तो मिक्की का बर्थडे, हम मिक्की के बर्थडे से पहले अनी का बर्थडे आता है सेकंड को, सेकंड फेब को, तो सेकंड फेब को हम लोग करेंगे इंजॉय। नीरज भैया की शादी कब है? नीरज भैया की शादी आई थिंक वो जनवरी में है, फेब्रुअरी में है, फेब्रुअरी में है, शगुंडाई। अच्छा नीरज भैया की हम लोग यही मंथ में करेंगे, जनवरी में, फेब में हम करेंगे सेकंड को अनी का बर्थडे सेलिब्रेट, थर्ड को हम करेंगे मिकी का बर्थडे सेलिब्रेट, और उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे अमित भैया की शादी एंजॉय, वो कब है? मार्च को, टिंकू भैया तो उसके बाद हम टिंकू भैया की शादी एंजॉय करेंगे, उसके बाद 2 मार्च को हम लोग जाएंगे परधोड़ कोमना सिंह जम्मू में, तो वहां पे हम लोग करेंगे टिंकू भैया की शादी एंजॉय, उसके बाद हमारी शादी आएगी 8 अप्रैल को, हम लोग पूरा बता देते हैं ऐसे सप्ताह में बताते हैं कि इस तारीख को यहाँ सप्ताह रहेगा, इस तारीख को यहाँ सप्ताह रहेगा, तो 8 अप्रैल हाँ नेक्स्ट मंथ 18 को फिर से सप्ताह हमारे मट्टू में बैठ रहा है, मट्टू के लोग बड़े धार्मिक हो गए भाई, एक से एक, ये वाली मंथ में 18 को यहाँ बैठा है, नेक्स्ट मंथ 18 को वहां बैठेगा, मतलब इसी गाँव में बैठेगा, आई थिंक पिछले मोहल्ले में, हाँ इधर कहीं बैठेगा। तो गाइज बाकी हम लोगों ने मतलब बहुत इंजॉय करना है इस साल, आप देखते रहिएगा, नीरज भैया का डब्बा जो है हम लोग उसको ओपन करने जा रहे हैं, बिट्टू के लड्डू, बिट्टू के लड्डू, तो ये रहेंगे हमारे लड्डू, लड्डू मिक्स मिठाई, केवल भैया ने सारे वास्ते स्पेशल डब्बा पाया हुआ मिक्स, ओपन इट।
तो गाइस ये रहा हमारे नीरज भैया का डब्बा, काफी अच्छा है। तो मिठाई ये मीठी मीठी होती है। बाकी गाइस ये रहेगा हमारा दोनों मंथ में, तो ठीक है, टेक केयर। मिलते हैं रात को शादी में, देखते हैं कैसे कैसे बनते। फिलहाल तो मुझे अभी अपने हेयर अच्छे नहीं है। चलो कैसे भी हो सैटरडे आज, तो हम लोग ऐसे ही बन के चले जाएंगे। तो देखते हैं अभी हम क्या डालते हैं, इंडो या फिर वेस्टर्न। वेस्टर्न ड्रेस डाल के चलते हैं, साथ में ब्लेजर डाल देंगे जींस के साथ, तो क्या ही हो जाएगा यार। गाइज इतनी ठंडी है और मेरे पास जो भी ड्रेस है ना पार्टी वेयर, वो सारे ठंडी वाले हैं, मतलब ठंड में नहीं गर्मी पहने में। तो गाइज बाकी हम लोग आज शाम को जाएंगे शादी में, वो करेंगे एंजॉय। तो आप सबके घाट आ गया, सीमा दीदी, पूजा दीदी, नीरज भैया ने भेज दी है, और आप लोग आप लोग बर्तन किट्ठा कर लो, डब्बे डुब्बे नहीं मिलेंगे आपको, वहां जाके खा लेना जो कुछ खाना, क्योंकि डब्बे ये हमारे घर में आए, ये हमारे ही रहेंगे। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कल वाले ब्लॉग को नाइस बोला, जिन लोगों ने बोला मुझे पूजा में जाने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने बोला, वैसे भी मैं जाने वाली थी, बट थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे थोड़ा मतलब शिक्षा देने के लिए, क्योंकि क्या है ना मुझे थोड़ी कम है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि क्या है तो क्योंकि क्या है मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही थी तेरी मूछें निकल आई हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपनी मूछें जो है हटा ही दूँ। तो उसने मेरे को कमेंट किया था कि गाइस सॉरी लतिका तेरी मूछें निकल आई हैं। तो आज वैसे भी शादी में जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी पार्लर, तो यहाँ साथ में ही है सुमन दीदी का, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, मैं और भाभी या फिर मैं और मन्नू, क्योंकि काम घर में भी है काफ़ी, तो वो भाभी कर लेंगी, तो अगर भाभी नहीं जाएंगी, तो अगर भाभी जाएंगी तो वो नहीं होगा, सो मैं मन्नू को लेके जाऊँगी, उसके बाद हम लोग होंगे रेडी, क्योंकि अभी मुझे हेयर भी वॉश करने हैं। मेरे हेयर जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा तेल लगाया हुआ है, तो अजीब ही लग रही है। तो ठीक है गाइज, तो हम लोग पहुँच गए हैं पार्लर में, भाभी भी आए दिन पहुंच के हैं घर, मूछे कटवा के तैयार कर लो ना, कौन नेमा ये करना लिए तैयार हो जाना। यहाँ हमारे अनी जी वापस आते हुए, मतलब आ गए हैं, और आते ही ब्लैंकेट में घुस जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडी थी आज यार। बाहर जो लोग काम करते हैं ना उनको भी पता होता है कितनी ठंडी है, मुझे तो कुछ पता नहीं। और गाइस अभी मैं रेडी होने वाली हूँ शादी के लिए, तो आप मेरी फाइनल लुक देखने के लिए रेडी रहो। वेलकम बैक। तो अभी हम लोगों ने क्या किया आपको बताया, जैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग रात को जाएंगे डिनर में, तो आज हमने क्या बना, मतलब हमारा क्या हुआ कि प्लान क्या बना कि हम लोग जाएंगे वेस्टर्न ड्रेस डाल के। तो भाभी ने रेड टॉप डाली हुई, मैंने मैरून वाली, ये मैंने पहले भी डाली हुई, कई बार आप लोगों ने देखी होगी। तो हम लोगों क्या हुआ कि हम लोगों ने ड्रेस निकाली भी हुई थी, तो हुआ सूट मतलब, तो हम लोगों ने निकाला हुआ था, बट वो सूट हम लोगों को ऐसा लगता और लगेगा। तो इसमें क्या है कि हम ब्लेजर डाल के जाएंगे ऊपर से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ठंडी नहीं लगेगी। सबसे पहले हमें ठंडी से बचना है, बहुत ठंडी हो रही है यार, इतनी ज्यादा हो रही है कि कोई। और भाभी का आप देख सकते हो पीछे, भाभी कर रही है इस टाइम मेकअप, और अनी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई है। अनी ने हुडी डाली, और अनी हुडी डाल के जाएंगे क्योंकि इनको बहुत ठंड लग रही है। इन्होंने कैप ऐसे डाली हुई है, ऐसे मतलब श्रीनगर से आए हैं, और मुंह इनका पता नहीं क्यों गुब्बारे की तरह ऐसे फूला हुआ है, क्योंकि इनका क्या है ना, सैटरडे और सैटरडे के दिन ये वैसे भी प्याज वगैरह नहीं खाते, सुबह से फास्ट, और तभी इनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। तो मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं अच्छी, और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि अब बहुत पतली हो गई हो, थैंक यू थैंक यू। तो गाइज फिलहाल तो मैंने अपना हेयर स्टाइल कर लिया, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा हुआ है। अभी मुझे भाभी का हेयर स्टाइल करना है, फिलहाल तो मुझे मेकअप भी करना है। तो आज हम लोग जे वाली ड्रेस पहन के जा रहे हैं, पूरा फोटो हम आपको दिखा देंगे। तो फिलहाल के लिए तो मेरा कैमरामैन थोड़ा बिजी है, तो फिर बाद में हम लोग आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अब हम होंगे रेडी और आपको बाद में मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ भाभी का हेयर स्टाइल, मुझे इनका सिर्फ हेयर स्टाइल ही करना, उसके बाद मैं अपना करूंगी मेकअप। फिलहाल तो अभी मेरा नहीं हुआ है, मैंने अभी कुछ भी नहीं करा हुआ है, तो मैंने सिर्फ अपना छोटा सा हेयर स्टाइल बनाया। तो गाइस भाभी का हेयर स्टाइल हो गया, अभी हमें सिर्फ स्प्रे मारनी है, यार इसको खुलती नहीं है। इसके साथ क्या होता है, सेट हो जाती है अच्छे से। चलो अभी मुझे अपने करने हैं, साइड वो तो हम लोगों का हेयर स्टाइल हो गया है, अभी हमने ऊपर से सिर्फ ब्लेजर डालना है और थोड़ा सिंपल सा मेकअप करना है, क्योंकि अभी ज्यादा मेकअप नहीं करना है वेस्टर्न के साथ। करना
हो गया कुंडलवानिया। तो हम लोग अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुए, बस मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट। तो गाइस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपको मेरा ये धुंधला धुंधला सा हेयर स्टाइल कैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने बड़ी मुशक्कत के बाद ये बनाया है। मेरे बाल जो है बहुत स्लैमे से हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे पता है, पर क्या करूँ गाइस। अभी मेरे पास इनको इनकी केयर करने के लिए कि एक्चुअली मैं धोती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे धोने का मन ही नहीं करता हेयर, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और मेरा मन नहीं करता है। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग आपको मिलते हैं निकलते हुए। तो गाइस हम लोग हो गए हैं पूरी तरह से रेडी, आपको बताना है कि हम लोगों की फाइनल लुक जो है वो कैसी लग रही थी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं मतलब हम लोग, तो वहां पे हम लोग एंजॉय करेंगे, बहुत सारा खाएंगे पिएंगे, क्योंकि काफी दिन के बाद हम के लिए अभी हम लोग अच्छे वहां पे मतलब तले दौड़ेंगे खाने पीने के। तो ठीक है, अब वहां पहुंच के हम आपको फिर से मिलते हैं। देख सकते हो भाभी, तो ये भाभी जो लैंड वैन होता है ऐसे, तो हम लोग जस्ट निकल। तो गाइस आप लोगों को बता रहे थे हम लोग कैसे लग रहे थे, हम लोग आपको वहां जाके मिलते हैं। क्या गाइस हम लोग यस निकले हैं, अभी आपको मिलते हैं वहां पे जाकर, आप लोगों को कल अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं कि हम लोग कैसे लग रही है। हमारी शादी भी इधर ही हुई थी, याद है आपको? वो दिन आप याद ही नहीं करना चाहते मतलब? क्यों? उस दिन तो बड़ा वहाँ से लेके आ रहे थे ऐसे उठा के, फिर यहाँ पे बिठाया मेरे को, खाना खिलाया टेबल से आपने, आपने और किसने? क्योंकि हमारी शादी जो है वो भी यहीं पे हुई थी, तो अनी बोलते वो दिन मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, मतलब वो इनकी इनकी लाइफ का बहुत बुरा दिन था। और वो ये मतलब जब हमारी शादी थी, ये वहाँ से मेरे को पकड़ के लाए कि चल खाना खा ले, तेरे को भूख लगी होगी, तो आज ये वो दिन याद नहीं करना चाहते हैं। रीज़न कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है? नहीं नहीं, रीज़न कोई नहीं। तो फिर ये वाले पैलेस में आपको आते इतना डर क्यों लगता है? हुँ? ये वाले पैलेस में आपको आते इतना डर क्यों लगता है? डर गया था। क्योंकि आपकी बर्बादी का मकबरा है ना ये, इसलिए। और गाइस ये है विशु मस्करियां करता हुआ। गाइस ये मनु बोल रही मैंने चार अंदर से चार स्वेटर जो है वो डाली हुई है, और जैकेट इसको फिर भी पूरी नहीं आ रही, आप देख सकते हो। तो हम लोगों ने एक एक डाली हुई है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। और अन्नी को भी इतनी ज्यादा नहीं बोल रहे, तंदूर कहाँ है मुझे दिखाओ, तंदूर कहाँ है, मैं तंदूर के पास जाऊँ थोड़ी हीट मिले, ठंड सच्ची में बहुत ज्यादा है। बारात जो है वो आ गई है, पीछे पटाखों के पास सुन सकते हो बम उठ रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए, ठंड बहुत ज्यादा है, तो देखते हैं आप कब निकलते हैं यहाँ से। लुकिंग सो हैंडसम bye।
ये देख सकते हो आप लेपर्ड खाना खाते हुए। और भाभी का पूरा फोकस प्लेट की तरफ है कि प्लेट्स का ही इधर उधर ना हो जाए। वो भैया को कम देख दिया है खाने को, मतलब ज्यादा खाने के खाने को देखो। मोए 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 मोए। अभी मैं जा रही हूँ देने शगुन का कार्ड, तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे। एक्चुअली अभी तक आई थिंक स्टेज पे नहीं आए हैं, बट हम लोग देख के निकलने वाले हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए ये खाते हुए डोसा बिशु को पीस छोटा मिला। हेलो तो ही डोसा लभी है तो हमें के मेरे मराजे पीछे पीछे फिर आए हैं देगी नहीं कराओ नहीं गाने वास्ते हैं। आज का ये ब्लॉग जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज का ये ब्लॉग देख के। सो जिसको मज़ा आया है तो वो कमेंट कर दे कि आपको कैसा लगा, आपको कौन इस ब्लॉग में मतलब इस ब्लॉग में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो जिसको नहीं मज़ा आया तो वो लाइक ही कर दे क्योंकि उसको उनको कमेंट करने में थोड़ा गुस्सा आएगा ना कि कमेंट नहीं करना है, तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को शेयर करो। बाकी ठीक है, जय राम जी की, जय माता दी, बाय बाय, शुभ रात्रि।